हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं भालू यानी बियर से संबंधित कुछ रोचक तथ्य आपसे शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। चलिए शुरू करते हैं। यदि भालू के दांतों के छोटे छोटे छल्लों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो उसकी आयु का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भालू बहुत बुद्धिमान जीव होते हैं। अगर किसी शिकारी ने इनका शिकार करने के लिए कोई चारा डाला हो तो भालू इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं और चारा सावधानीपूर्वक खाते हैं। जंगल के भालू की आयु लगभग 30 साल होती है, जबकि बंदी भालू जिसे मानव द्वारा कैद किया गया है वह लगभग 47 साल तक जी सकते हैं। केवल ध्रुवीय भालू ही पूरे मांसाहारी होते हैं, जबकि बाकी के सारे भालू सर्वाहारी होते हैं। ब्रिजनी भालू के पंजे सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा इनकी जीभ भी सबसे लंबी होती है, जो कि 9.5 इंच तक पहुंच जाती है। भालू लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, जो कि एक दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। सबसे तेज़ दौड़ने वाले मनुष्य मतलब कि उसेन बोल्ट, वह 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक साधारण भालू की हृदय गति 1 मिनट में लगभग 40 बार धड़कती है, जबकि एक शीतकालीन सो रहे भालू की हृदय गति 1 मिनट में 8 बार ही धड़कती है। कुछ भालू अपनी पिछली दोनों टांगों पर चल सकते हैं, इसलिए कभी दूर से देखने पर वह ऐसे लगते हैं जैसे कोई मनुष्य विचित्र ढंग से चल रहे हों। भालू ऐसे स्तनपायी हैं जो कि रंगों को देख सकते हैं, जबकि ज़्यादातर भालू रंगों की जगह तरंगों का उपयोग करते हैं। संसार का सबसे साधारण भालू भूरा भालू होता है। जब भालू सहवास करते हैं तब मादा भालू निषेचित अंडों को अपने गर्भ में नहीं डालती, बल्कि उन्हें विकसित होने के लिए कुछ महीने अपने अंदर ही परगर्भ से बाहर रखती है। भालुओं की टांगें कमान जैसी होती हैं, यह इनकी पकड़ और संतुलन को बेहतर बनाते हैं। एक तैरने वाला ध्रुवीय भालू पानी में लगभग 8 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। एक पांडा भालू जिसके पास एक अतिरिक्त अंगूठा होता है, जो कि असल में उसकी कलाई की उभरी हुई हड्डी होती है, यह उन्हें बांस को उखाड़ने में सहायता करती है, जो कि वह खा जाते हैं। एक पांडा भालू एक दिन में लगभग 21 किलो तक बांस खा सकता है। दैत्य पांडा भालू का सिर बहुत बड़ा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इसके मजबूत जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों के लिए होता है, जो कि इन्हें बांस चबाने में सहायता करते हैं। बांस इनकी खुराक का 99% हिस्सा है और बाकी 1% हिस्सा बांस पर लगे कीड़े होते हैं या फिर मांस जो इन्हें कहीं पर मिल जाता है। दक्षिणी अमेरिकी भालुओं का पसंदीदा भोजन दीमक है। इन भालुओं के अगले दांत नहीं होते हैं, इसलिए यह छत्तों में फंसे दीमकों और कीड़ों को आसानी से चूस लेते हैं। अब तक ज्ञात ज़्यादातर भालू लगभग सब कुछ खा सकते हैं, जैसे इंजन ऑयल, रबड़, बूट, पेड़ पौधे, सब कुछ। अमेरिका के लगभग 98% बिजली भालू अलास्का में रहते हैं। एक ध्रुवीय भालू बिना आराम किए 160 किलोमीटर तक तैर सकता है। भालू भी मनुष्यों की तरह अच्छे से देख सकते हैं, पर उनके सुनने की क्षमता हमसे थोड़ी कम होती है, पर भालुओं के सूंघने की क्षमता मनुष्यों से 100 गुना ज़्यादा होती है। ध्रुवीय भालू 32 किलोमीटर दूर की गंध को आसानी से सूंघ सकते हैं। इसके अलावा वह बर्फ के अंदर 3 फीट तक गड़ी समुद्री मछली की गंध तो आसानी से सूंघ सकते हैं। भालू संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी का चिन्ह है, जो कि उनकी शक्ति और कौरव को दर्शाता है। ध्रुवीय भालू भालुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है। ध्रुवीय भालू का वजन 480 किलो तक होता है, जो 8 वयस्क मनुष्यों के बराबर है, पर मादा ध्रुवीय भालू नर से लगभग 50% छोटी होती है। भालुओं का क्रमिक विकास छोटे से बड़ा हुआ। पहले के भालू महज एक कुत्ते के आकार के थे। अब तक का सबसे पुराना ज्ञात भालू डाउन बियर, जो 2 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था, उसका आकार महज एक छोटे कुत्ते की तरह था। भालू कभी भी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में नहीं रहे। हालांकि अफ्रीका में भी वर्तमान समय में भालू नहीं पाए जाते, पर भालुओं के अधिकतर कंकाल अफ्रीका में ही मिले हैं। वैज्ञानिक अभी भी अनजान हैं कि अब यह अफ्रीका में क्यों नहीं रह रहे। दक्षिणी अमरीकी भालू इकलौते भालू हैं, जो कि रात्रि को अधिक क्रियाशील होते हैं। ध्रुवीय भालुओं की चमड़ी के 1 इंच वर्ग के क्षेत्र में लगभग 9600 बाल होते हैं।
भालुओं के पैरों के अगले पंजे पिछले पंजों से अधिक मजबूत और बड़े होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जो कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स।